जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 28 नवंबर 2022 सोमवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि 13:36 तक रहेगी। आज चंद्रमा मकर राशि में है और 7 डिग्री पर विद्यमान है। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और नक्षत्र 10:30 और 21 सेकंड तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा और नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। दर्शकों, अगर हम त्योहार की बात करें तो आज विवाह पंचमी है और कुछ जगहों पर आज नाग पंचमी भी मनाई जाएगी। आज का राहु काल 8:15 और 42 सेकंड से 2:35 और 20 सेकंड तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:53 से 12:35 तक रहेगा। दर्शकों, जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं, आज सोमवार का दिन है इसीलिए मोती धारण अवश्य कर सकते हैं, लेकिन रत्न आप अपनी कुंडली के आधार पर धारण करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। आज सोमवार का दिन है, चंद्रमा का ही नक्षत्र है, इसीलिए आज आपको एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर करनी है। यानी गिन करके 108 बार आज आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से पहले का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:56 और 4 सेकंड पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही बुध हैं, सूर्य हैं और शुक्रदेव हैं। शनि और चंद्रमा मकर राशि में हैं, मीन राशि में बृहस्पति हैं, मेष राशि में राहु हैं, वृषभ राशि के अंदर मंगलदेव हैं तथा तुला राशि के अंदर केतुदेव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों से। आज आपको कई नए अवसर मिलेंगे, आज सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी, आज कुछ उपहार मिलने की संभावना भी बनती है, आज काम में आपका मन अच्छे से लगेगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन लापरवाही आपको नहीं करनी है। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम है तो आप आज के लिए टाल दे तो बेहतर है। भाग्य के अवसर भी आज आपको नहीं मिलेंगे और काम में कोई ना कोई लापरवाही भी जरूर होगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मन आपको उदासी का अनुभव करवाएगा। आज डिप्रेशन की भावना आपके अंदर है और जो आपके सामने है उसका भी आनंद आज आप नहीं ले पा रहे हैं। अपने अंदर उमंग और उत्साह बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को आज मोटिवेट कीजिए, ये आपको जरूर करना है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मित्रों का सहयोग साथ मिलेगा। आज कुछ नए लोगों के साथ आपका परिचय हो इसकी संभावना बनती है। आज आप कुछ ऐसी योजनाओं को मूर्त रूप देंगे जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है। आज ज्यादा इधर उधर भागदौड़ करने की कोशिश नहीं करनी है और वित्तीय लेन देन आपको बहुत सावधानी से करने हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन चंद्रमा आपको भाग्य के अवसर लेने नहीं देगा। संतान से संबंधित कुछ चिंता भी आपको हो सकती है। आज जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार से अपने आप को दूर जरूर रखिए। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको कुछ बड़े अवसर जरूर दिलवाएगा और ये अवसर जो आपको मिल रहे हैं ये आपके कार्य से संबंधित है। यानी आज आपको कोई पदोन्नति की सूचना मिलनी है तो वो भी आपके पक्ष में जरूर रहेगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, आज किसी की मदद भी करनी पड़ेगी, आज किसी का साथ देने के लिए यात्राओं पर जाना पड़े इसकी संभावना भी बनेगी। आज का दिन भागदौड़ में ही निकलेगा, ये बात निश्चित है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको धन को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। आज कहीं आप पैसे रख के भूल जाएं या कोई आपसे उधार मांगे और भविष्य में वो आपको ना लौटाए इसकी संभावना जरूर बनती है। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको चिंताएं नहीं करनी है, फालतू की बातों को अपने दिमाग में स्थान नहीं देना है, ज्यादा सोच विचार आपके लिए ठीक नहीं है। आज शांति से अपना कार्य कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन
खर्च थोड़े अधिक होंगे। आज कार्य को लेकर के थोड़े अव्यवस्थित आप रह सकते हैं। आज कार्य की लापरवाही के कारण से आपको कुछ उलाहना मिल सकता है, इसीलिए पहली प्राथमिकता आपको अपने काम पर देनी है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको नए अवसर मिलेंगे, भाग्य के अवसर भी मिलेंगे, कुछ अकस्मात लाभ की घटनाएं भी आपके साथ हों इसकी संभावना बनेगी। आज संतान संबंधी चिंताओं का समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।